एड्रपोकॉम है। क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी क्या? इसके खिलाफ मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। इसमें तरक्की कर लेनी चाहिए जी। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निजाम मुस्तफा में तरक्की करनी चाहिए। भाई वो अब एक मिनट, हमें साइंस की कोई लोड नहीं है। हमें साइंस का कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि जमीन घूमती है। आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या कर रही थी? थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया, लंबा हो जाएगा। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम किताबें रह के करें। इस्लाम से बाहर जाकर अगर कोई साइंस की बात करेंगे वो नहीं है। चुप हो जा सातवीं फेल। हमारा कश्मीर पाकिस्तान के पास तो है, इंडिया के पास भी है, तीसरा पार्ट चाइना के पास है। 10% या 12% उनके पास है, ठीक है। इंडिया में इतना जुल्म नहीं होता, वो हमसे ज्यादा खुश है। जलवा है हमारा, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे पढ़ने की है, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी शोर करते रहते हैं। हमारी मीडिया सबसे तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, नहीं होती। जेलेसी है कि इंडिया। अब मैं आपको सही बताऊं, चाइना में जो कश्मीर आ रहा है ना, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बेचारे रह भी नहीं सकते। नाम आपका? रोहेल अकबर। क्या करते हैं? जर्नलिस्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आपको एक बात बताता चलूं सर, अभी की न्यूज है कि जो यूई के जो आर्मी है वो हमारे बॉर्डर के करीब ही जो इंडियन आर्मी उनको ट्रेनिंग दे रही है कि डिफेंस कैसे करना, लड़ाई में वार में कैसे आपने अपना डिफेंस करना, अगले को कैसे हराना, ये इंडियन ट्रेनिंग दे रही है। इंडियन तो खैर एड्रपोकॉम है। तेरी तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया? और उनकी फौज तो उससे भी डरपोक है। क्या फेंकता है यार, जो इंडियन फौजी है उन्होंने क्या ट्रेनिंग देनी है? वो तो खुद बुजदिल डरपोक है, खुदकुशी कर लेते हैं एक दूसरे को। इसके खिलाफ मोमबत्ती जलानी पड़ेगी।